राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर राज्य में कोविड कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। राज्य में शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने कोरोना मामलों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत प्रदेश भर में 30 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। गाइडलाइन के अनुसार राज्य के कॉलेज विश्वविद्यालय 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। कोचिंग में 12वीं तक शिक्षण कार्य गाइडलाइन के मुताबिक हो सकेगा। इसके अलावा वैक्सीन जरूरी होगी। विवाह समारोह में केवल 100 लोगों को ही अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रेस्टोरेंट 10 बजे रात तक ही खुल सकेंगे। इसके अलावा बाजार मॉल रात 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। वहीं सिनेमा हॉल जिम ऑडिटोरियम 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। वहीं धार्मिक स्थल शाम 5 बजे तक खुलेंगे, मगर कोरोना गाइडलाइन के साथ दर्शन होंगे। इसके अलावा रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में संक्रमण दर बढ़ने पर कर्फ्यू रहेगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत खुल सकेंगे कॉलेज। राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों के लिए ऑफलाइन स्कूल गतिविधियों को भी बंद करने के आदेश दिए हैं। कॉलेज विश्वविद्यालयों में ऑफलाइन शिक्षण 2 गज की दूरी के प्रोटोकॉल के साथ हो सकेगा। सरकार के आदेश के अनुसार दुकानों वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे तक बंद करने के लिए कहा गया है। सरकार द्वारा भोजन की 24 घंटे होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विवाह समारोह में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। वहीं दाह संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 20 तक सीमित कर दी गई है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।